अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हैंग हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा, मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं। अगर कोई वॉइस मैसेज आ जाता है तो ओपन नहीं होता, डाउनलोडिंग पे रहता है। इस तरह के इश्यूज़ फेसबुक मैसेंजर में आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी ये मसला आया, पेश आया, मैंने इस मसले का हल निकाला, सोचा आप दोस्तों से भी शेयर कर दूँ कि आपका जो मैसेंजर है वो उसमें क्या मसला है और वो कैसे सही हो गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इस मालूमात का पता चले। दोस्तों, मैसेंजर पे ये इशू आ रहे हैं कि एक तो मैसेंजर हैंग है, दूसरा है कि आप मैसेज खोलते हैं तो ओल्ड मैसेज शो नहीं हो रहे, और जब मैसेज आप सेंड करते हैं तो काफ़ी देर तक मैसेज सेंड नहीं होता और उस पर टिक का निशान नहीं आता। दूसरा, मैसेज कोई अगर आपको वॉइस भेजता है तो वॉइस का मैसेज ओपन नहीं होता, डाउनलोडिंग पे रहता है। कोई तस्वीर भेजता है तो डाउनलोडिंग पे रहती है। तो इस तरह के मसले व्हाट्सएप मैसेंजर पे आ रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर पे, सॉरी। तो इस मसले का सबका हल एक छोटी सी एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कि आपको कभी भी मसला आए फेसबुक में या मैसेंजर में तो आपने ये काम करना है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और वहाँ से सिंपली आपने मैसेंजर ढूंढना है, या अगर आपको मैसेंजर यहाँ फ्रंट डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है तो यहाँ से आपने मैसेंजर पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, एप्लीकेशन की डिटेल आपने देख लेनी है। यहाँ से एप्लीकेशन डिटेल में देखने के बाद आपने सबसे पहले ये फोर स्टॉप जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो है स्टोरेज में जा के इसके जो कैचे हैं वो क्लियर कर देने हैं, स्टोरेज को क्लियर कर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है ये, इसके बाद आपका मैसेंजर जो है वो सही हो जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद ये ठीक, ऐसा करने के बावजूद आपका मैसेंजर ठीक नहीं होता, फिर आपने क्या करना है, इसको अनइंस्टॉल कर देना है। दोबारा आपने इसको इंस्टॉल करना है। जब दोबारा आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका मसला काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुका होगा, और अगर आपका मसला स्टिल रहे तो तीसरी ऑप्शन, अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।